नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, ये वीडियो 5 से 6 मिनट की होगी और मैं गारंटेड कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जीएल को आप जिस नजरिया से देखते हो वो देखना बंद कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 100% गारंटेड ट्रिक्स हैं ये, और ये 100% काम करते हैं। ऐसा नहीं कि 70%, 80%, 100% इसको वर्क करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो स्ट्रैटेजी क्या होंगी, इसको लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ए टू जेड बातें करने वाले हैं, और जीएल में दोस्तों आपको किस तरह का पैंतरा अपनाना है वो हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि वो आपके सामने होगा, 1 लाख रुपीज में आपको गारंटेड कहता हूँ कि आप पर मंथ लेके जाओगे। बस आपको ये वीडियो को देख लेनी है, बस ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बताऊंगा ना उसको समझना होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट नोट करके दिए हुए हैं, वो आपको चीज ध्यान में लेके चलना होगा। ग्रैंड लीग खेलकर गारंटेड 1 लाख रुपीज आप ले जाओगे, पर मंथ कैसे विन करना है उसको लेके जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपको मैच का बिल्कुल सेफ्टी बनाना है। अब जिस भी मैच को आप कवर कर रहे हो, बिल्कुल आपको जो है एनालिसिस के साथ चलना होगा, आपको सेफ टीम बनाने होंगे जिससे आप स्मॉल लीग में लड़ने वाले हो। ध्यान रखिएगा, आपको वो जीएल के ट्रिक्स आप भूल जाओ कि भाई बिथू का टीम बनाकर जीएल जीत लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल पिच के अकॉर्डिंग सेफ टीम बनाकर चलनी है। उसके बाद आपको उसमें से एक सबसे सेफेस्ट प्लेयर को कैप्टन के लिए पिक करना होगा। जैसे कि मान के चलो इंडिया का किसी के साथ मुकाबला है, आपने एक सेफेस्ट टीम बना ली, आपका सबसे सेफेस्ट प्लेयर हो गए विराट कोहली, ठीक है, या फिर आपका सबसे सेफेस्ट प्लेयर हो गए केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, या फिर दोस्तों आप इंग्लैंड का मैच खेल रहे हो तो वहाँ पे हो सकते हैं कि जोस बटलर हो जाए, फिर जॉनी बेरेस्टो हो जाए। अगर आप बांग्लादेश का मैच खेल रहे हो तो वहाँ पे सकीबुल हसन हो जाएंगे, वोमेन मैच खेल रहे हो तो अमेलिया कर हो जाएंगे, सोफी डिवाइन हो जाएंगी। आपको एक सेफेस्ट प्लेयर को कैप्टनसी के लिए पिक कर लेना है। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं उस फॉर्मूला को लेकर, ठीक है। आपने जो है एक कैप्टनसी का पिक कर ली और आपने अपना सेफ टीम बना लिया, जहां पे मैं मानता हूं एक से लेके आपके पास 11 प्लेयर हैं। ये मान लो यहां से आपने रोहित शर्मा को लिया, विराट कोहली को लिया, शुभम गिल को लिया, ऐसे करके आपने 11 प्लेयर का अपना टीम रेडी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको जो है बिल्कुल एक कोई आपको सेफ कैप्टन वीसी के लिए मटेरियल पिक कर लेने, मैं मानता हूं यहां पे हार्दिक पांड्या 6 नंबर पे, ठीक है। हार्दिक पांड्या को आपने क्या किया, कैप्टनसी पिक के लिए रख लिया। आपको लगता है कि इस मैच में सबसे अधिक पॉइंट हार्दिक पांड्या देने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, हार्दिक पांड्या 6 नंबर को आप कैप्टन दे दोगे, ठीक है। उसके बाद वीसी दोगे आप 1 नंबर पे, जो रहेगा रोहित शर्मा, आपका जो फैंटेसी टीम में 1 नंबर पे रहेगा रोहित शर्मा होगा, आप यहाँ पे रोहित शर्मा को कैप्टन दे दोगे। टीम आपको सेम रखना है, टीम कुछ भी अलग नहीं करना है, ये आपका हो गया टीम वन। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा 20 टीम से जीएल खेलो, 40 टीम से जीएल खेलो, बस आपको 10 टीम से जीएल खेलने हैं और 1 मंथ में 1 लाख रुपीज आपके पास दरवाजे पे खड़े होंगे। वो कैसे, ये आपका हो गया टीम वन। टीम टू में आप क्या करोगे, कैप्टन फिर से आप हार्दिक पांड्या करोगे, 6 नंबर का प्लेयर कैप्टन करोगे। वीसी आपका हो जाएगा प्लेयर नंबर टू, शुभम गिल हो या फिर दोस्तों आपके टीम में जो भी हो, आपका जो फैंटेसी टीम बनेगा 11 प्लेयर का टीम बनेगा, तो दूसरा नंबर का प्लेयर जो भी हो वो आपका बन जाएगा वीसी टीम टू में। तीसरा नंबर का जो आप टीम बनाओगे उसमें फिर से आपका कैप्टन 6 नंबर का होगा, मतलब हार्दिक पांड्या फिर से आपका कैप्टन है, और यहाँ पे आपका वीसी जो होगा वो बन जाएगा 3 नंबर का प्लेयर, जो भी आपका 3 नंबर का प्लेयर होगा। टीम आपको वहां भी सेम लेके चलना है। फिर चौथा नंबर का जो टीम बनाओगे आप, वहां भी आपका जो है वो कैप्टन 6 नंबर का हार्दिक पांड्या ही रहेगा, वीसी आपका बन जाएगा 4 नंबर का, जो कि यहाँ पे जो भी प्लेयर आप प्लेयर होगे वो आपके वीसी बन जाएंगे। टीम यहाँ भी आपको सेम लेके चलना है। उसके बाद 5वें नंबर का जो जीएल आपका टीम बनेगा वो आपको ले जाना 6 नंबर पे, कैप्टन अभी भी हार्दिक पांड्या, वीसी आपको लेकर चल जाना है 5 पे, जो आप पिक किए रहोगे उसको, ठीक है। और टीम अभी भी सेम लेके चलना है, कुछ भी आपको फेरबदल नहीं करना है, बस 1 महीना करके देख लो, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके प्यार देना या फिर गाली, आप डिसाइड करना। 6वें नंबर पे फिर आप कैप्टन लेके जाओगे, आपका टीम नंबर 6 बन जाएगा, और वीसी आप लेके जाओगे 7 नंबर पे, क्योंकि ये तो सब में आपका कैप्टन है ही, तो इसको लेके तो जिक्र ही नहीं करना है। 7 नंबर वाले प्लेयर को आप वीसी देके चले जाओगे, सेम टीम, टीम में कुछ भी फेरबदल नहीं। फिर आप 7वें नंबर का टीम बनाओगे, यहाँ भी 6 नंबर वाले प्लेयर कैप्टन होंगे आपके, हार्दिक पांड्या, जो भी आपको 2 नंबर वाले कैप्टन मन करे 2 नंबर लेके चले जाओ। ऐसा नहीं कि मैं 6 नंबर बोलाऊँ तो भाई आप 6 ही नंबर लेके जाना। अब यहाँ पर आपको लगता है कि विराट कोहली आपके लिए जो है सेफ कैप्टन है, तो उन्हीं को सब टीम में कैप्टन दे देना आप, जो आपको लगे कि आपके लिए सबसे बेहतर पॉइंट ला कर दे सकते हैं उनको आप सभी टीम में कैप्टन दोगे। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए हार्दिक पांड्या को माना है। 7वें नंबर टीम में मेरे क्या हो जाएंगे जो है हार्दिक पांड्या कप्तान, और 8वें नंबर पे जो प्लेयर हम लिए रहेंगे वो हमारे वीसी हो जाएंगे, टीम अभी भी मेरा सेम रहेंगे। 9वें नंबर की टीम में क्या होंगी, मीन्स 8वें नंबर की टीम में अभी भी मेरा कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या, और वीसी बन जाएंगे हमारे 9वें नंबर का जो प्लेयर होगा वो अभी भी मेरा सेम टीम रहने वाला है।
फिर हमारा जो बनेंगे टीम नंबर 9, उसमें आपको क्या करना होगा, कैप्टन वीर जी आपको 6 नंबर वाले पिलर ही रहेंगे और वीसी आपके बन जाएंगे 10 नंबर का पिलर, जो भी आपकी टीम में रहेगा वो टीम सेम। 10वें नंबर का जो टीम बनेगा उसमें आपको फिर से जो है ये कैप्टन आपको रखना है 6 नंबर वाले प्लेयर को, मीन्स हार्दिक पांड्या को, और वीसी आपको लेके जाना है सबसे लास्ट में जो आपको जिस भी प्लेयर को पिक किया उसके साथ, और टीम आपको सेम लेके चलना है। अब यहाँ पे मैं आपको मॉरली समझाता हूँ ये चीज़ क्या था। आपको 11 प्लेयर का एक टीम बनाना होगा, उसमें से आपको जो है सेफ टीम, बिल्कुल रिस्की नहीं, उसमें से आपको एक फाइंड आउट करने होंगे कि हमारे कैप्टनसी के सबसे सेफेस्ट पिक कौन हो सकते हैं इस मैच में, जो आपको लगे, जो आपका दिल करे, स्टैट्स देख लो, पिच रिपोर्ट देख लो, उस पिच में जो है कौन कितने रन किए हुए रिसेंटली वो देख लो, उसके अलावा उस पे स्टैट्स किस प्लेयर का कैसा है वो मैं सब कुछ आपको बता ही देता हूँ वीडियो में, तो वहां से देख लो। उसके बाद आपको लगता है कि इस मैच में ये प्लेयर अच्छा कर सकता है उसको कैप्टन दे दो, बाकी सारे प्लेयर को आप लोग वीसी दे दो, और टीम में बिल्कुल फेरबदल नहीं करना है। मैं गारंटेड कहता हूँ ना, आपके जो अपोनेंट आएंगे 49 वाले में, वो मान के चलो कि उसमें से 10 टीम जो लगा के आएंगे या फिर 20 टीम जो लगाते हैं या फिर 40 टीम जो लगाते हैं, वो ये समझते हैं बेतुका टीम से हम जीएल जीत जाएंगे। भाई मेरा टारगेट एक रन का ही नहीं, उनको जाने दो जो 40 टीम लेकर जा रहे हैं ना, उनको जाने दो एक पे, मेरा टारगेट है अगर आप लगा रहे हो 49 रुपीज़ तो आपको निकालना है एक टीम से 75 रुपीज़। अगर आपका एक टीम 75 रुपीज़ लेके आ रहा है, ये गारंटेड है, अगर आपका कैप्टन अच्छा कर गया, कैप्टन नहीं अच्छा किया, इसका मतलब आपका 49 का 49 जो है वो 10 टीम लेके आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बिल्कुल सेफ टीम बनाया है, कैप्टन डजेंट मैटर वहाँ पे कि कैप्टन अगर अच्छा करेगा तभी आपको 49 का 49 आएगा, कैप्टन अगर अच्छा कर गया तब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर कैप्टन अच्छा नहीं किया तो आपका 49 का 49 आना ही है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपको देखने को मिलेगा कि आप जो 10 मैच खेल रहे हो उसमें से कोई 4 मैच ऐसा होगा जहाँ पे आपके कैप्टन ने प्रदर्शन नहीं किया। प्रदर्शन नहीं किया उसका मतलब यह है कि वो दुनिया का भी कैप्टन है, क्योंकि आपने कैप्टनसी बिल्कुल सेफ पकड़ा है, तो आपका जो 49 रुपीज होगा उसका मान के चलिए 50 आएगा। कोई ऐसा एक कंटेस्ट दो कंटेस्ट होगा जिसमें आपका पैसा नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों बाकी के 6 मैच में जहां पे आपके कैप्टन क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ कैप्टन के साथ जा रहे हो, वहां पे उसके साथ जो पेयर हिट किया वो आपको 7 गुना 8 गुना 10 गुना यहां तक कि जीएल में भी अच्छा रैंक देकर जा सकता है। एक महीना में 1-2 दफा ऐसा भी होगा जहां पे 49 से आप 5,000-10,000 रुपीज लेके चले जाओगे। और जीएल को लेकर ना अपना थॉट प्रोसेस को बदलो। आप लोगों का देखता हूं मैं कि हमेशा जीएल में 1 करोड़ 1 करोड़, नहीं भाई, 1 करोड़ के पीछे दुनिया को भागने दो। हम भागेंगे 49 में 5,000 कैसे कमाएं, 49 में 2,000 कैसे कमाएं, 49 में 3,000 कैसे कमाएं। अगर आपने टारगेट सटीक किया ना, आप वहां पहुंच जाओगे। टारगेट ही आपने रख लिया 1 करोड़, भाई साहब ये कहते हैं ना कि टारगेट बड़ा रखोगे तो छोटा अचीव होगा ही, उसके चक्कर में आपका कितना 49 जाएगा आपको खुद भी मालूम नहीं चलेगा। तो छोटी छोटी आप जो है टीम से 10 टीम से लगाइए 49 वाला कंटेस्ट खेलिए सेफ टीम के साथ, और आराम से जीएल में अच्छा पैसा कमाइए। 1 महीना आप लोग ये काम कीजिए, 1 महीना के बाद मुझे रिव्यू दीजिएगा। मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि जो भाई इस ट्रिक को फॉलो कर लिए 1 महीना के बाद कम से कम अगर वो 10 जीएल टीम हर एक मैच में लगा रहे हो जो मैं कवर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, अगर आपने 10 टीम लगा ली तो आप कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट लेके जाओगे। नहीं जाओगे तो 1 महीना के बाद आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना और जो मन करे वो लिख देना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना बेहद ही जरूरी है, लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।